आज के लिए मैंने जो विषय आप लोगों के लिए लिया है वो है परवरिश, या जिसको हम लोग पालन पोषण भी कह सकते हैं। और जब हम लोग परवरिश की बात कहते हैं या पालन पोषण की बात कहते हैं तो हमारे सामने एक पिक्चर बन जाता है कि ये कहाँ पर पाया जाता है, परवरिश या पालन पोषण कहाँ पर पाया जाता है। घर में है ना, परिवार में, माता पिता के साथ में, बच्चों के साथ में, है ना। तो ये जो परिवार की बात है, माता पिता और बच्चों की बात है, हम लोग अगर देखें शुरू से, सृष्टि के आरंभ से, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बना करके अकेला नहीं छोड़ा, है ना, कि अकेला छोड़ दिया, परमेश्वर नहीं छोड़े। आदम को बनाया उसके सहयोग के लिए, उसकी उसी के सही रूप से उसका तालमेल हो, इसलिए वो उसी के स्वरूप में फिर हवा को बनाए, जो उसको समझे, उसके साथ उसकी अच्छी समझदारी हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, बातचीत हो और एक दूसरे को सहयोग करने वाले हो। तो शुरू से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है मनुष्य को बना करके अकेला नहीं छोड़े, और इसलिए परमेश्वर जो है, परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य कभी अकेला ना रहे, लेकिन एक बड़े समाज का निर्माण भी परमेश्वर ने किया, और उस बड़े समाज के अंतर्गत मनुष्य को भी एक हिस्सा बनाया कि मनुष्य भी उस समाज का एक हिस्सा बने, एक भाग बने। और उस समाज में आने के लिए हम लोग देखते हैं कि एक परिवार का गठन होता है, माता पिता होते हैं और उसमें बच्चे होते हैं, और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की ये बहुत ही सुंदर योजना रही एक छोटा परिवार बनाने की। और उसी परिवार से तो जब परिवार जब बढ़ता है, एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार, तभी तो जा करके समाज बनता है ना, तभी जाके समाज बनता है। समाज से फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग एक राष्ट्र में आते हैं, फिर देश में आते हैं हम लोग। तो इस तरह से मनुष्य की जो स्थिति है वो काफ़ी आगे बढ़ जाती है, और मनुष्य का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मनुष्य ऐसे ही नहीं पड़ा रहता अकेले कहीं जंगल में या कहीं पहाड़ में या कहीं वीरान जगह में, है ना, लेकिन वो मनुष्य समाज में, लोगों के बीच में रहता है। और वहाँ पर आने के पहले जब हम लोग एक छोटे परिवार में रहते हैं, माता पिता के साथ में रहते हैं, तभी हम लोगों के जीवन का जो मुख्य आधार होता है, जहाँ पर से हम अपने जीवन को सही दिशा में, सही रूप में आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी नींव उसी परिवार में डाली जाती है, है ना। जब घर बनता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या खोज करते हैं हम लोग, नींव बनाते हैं ना, और अगर वो नींव कमज़ोर होगा तो घर, तो अगर नींव मजबूत नहीं होगा तो घर गिर जाएगा। तो घर परिवार भी ऐसा ही है, जहाँ पर अगर हम लोग शुरू से बच्चों के जीवन में एक सही आधार नहीं देंगे तो बच्चों का भविष्य कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है, मजबूत नहीं हो सकता है ना। तो परमेश्वर ने हम मनुष्यों के अंदर ऐसा स्वभाव डाला है कि हम लोग जब एक माता पिता होकर के अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, लालन पालन करते हैं, तो एक अधिकार परमेश्वर ने दिया है माता पिता को बच्चों के पालन पोषण करने का। और उस अधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी बच्चे आते हैं परिवार में, वो लोग स्वभाव से ही अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मानते हैं, सुनते हैं, है ना, माँ बाप की बातों को मानते हैं, सुनते हैं, जो कुछ माता पिता कहते हैं उसको वो लोग सुनते हैं। और इसका उदाहरण आप लोग देखेंगे बाइबल में से, तो उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 22 उसके 7 और 8 पद में आप देखिएगा इसहाक और अब्राहम के बारे में। जब अब्राहम इसहाक को लेकर के उसे बलि चढ़ाने के लिए जाता है तो इसहाक पूछता है अपने पिता से कि हम लोग तो इतनी दूर सब चीज़ लकड़ी लेकर के आ रहे हैं, सब कुछ लेकर के आ रहे हैं, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग किस चीज़ का बलि चढ़ाएंगे। तब अब्राहम उसको बहुत बुद्धिमानी से जवाब देता है कि उसका प्रबंध परमेश्वर करता है,
तो इस तरह से इसहाक अपने पिता से पूछता है और उसका पिता अब्राहम उसको जवाब देता है। तो उनके बीच में बातचीत होती है। फिर निर्गमन 20 उसका 12 पद में हम लोग पाते हैं कि बच्चों के लिए क्या बात कही गई है। निर्गमन 20 का 12 में क्या बात कही गई है बच्चों के लिए जो परिवार में होते हैं। वहाँ कहा लिखा हुआ है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तो माता पिता का आदर करना है ना, बच्चों के लिए ये आदेश है। ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं कही गई है लेकिन परमेश्वर के द्वारा कहा गया है, जिसको कि हम लोग जब 10 आज्ञा की बात हम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं, याद करते हैं, तब भी हम लोग इसको उच्चारण करते हैं, है ना। अपने माता पिता का आदर कर। हमारे माता पिता चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे नहीं पढ़े लिखे हैं, चाहे हम लोगों से कम पढ़े लिखे हैं, बच्चों से कम पढ़े लिखे, तब भी हम लोगों को बच्चों को माता पिता का आदर करना है। हम लोग यीशु मसीह के बारे में देखेंगे, है ना। लूका अध्याय 2 उसका 51 पद में आप जब आप लोग देखिएगा तो उसमें आप पाइएगा कि यीशु मसीह जब एक बार यरूशलेम मंदिर से उसके माता पिता आए थे वहाँ पर, और वो लोग तो लौट रहे थे लेकिन यीशु मसीह जो है वो रह गए थे यरूशलेम मंदिर में, है ना। और उसकी माँ बहुत परेशान थी, कहाँ बेटा, कहाँ खो गया, कहाँ खो गया करके। लेकिन जब वो पाती है उसको, तो उसके बाद में जब वो लोग एक साथ रहते हैं तब उसके बाद बतलाता है वचन कि यीशु मसीह जो है वो अपने माता पिता के वश में रहा। वश में मतलब अधीन में रहना, है ना, माता पिता के अधीन में रहना, यानी कि माँ बाप जो कुछ कहते हैं बच्चों को, जिस तरह से रखते हैं उस उनके अधीन में, उनकी बातों को सुनना और उनके अधीन में रहना। आज्ञा मानने के विषय में बाइबल क्या कहती है इसको हम लोग देखेंगे इफिसियों 6:1-4 में, है ना। चलिए कोई एक जन इस वचन को तो पढ़ दीजिए, इफिसी 6:1-4 कोई पढ़ देंगे इसको जल्दी से। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, उसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो आपको धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ये बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा आप चेतावनी देते हुए उनका पालन। हो सकता है कि कई एक बार हम लोग इस वचन को पढ़े होंगे, बहुत बार हो सकता है कि पढ़े होंगे लेकिन फिर भी हम लोग भूल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ माता पिता और बच्चों को एक परिवार में कैसे रहना है इसके विषय में हम लोगों को बाइबल क्या शिक्षा देती है, और उसके साथ प्रतिज्ञा भी है ना। तो बच्चों को जिस तरह से आज्ञा मानना है माता पिता का, उसी तरह से यह भी कहा गया है माता पिता के लिए भी आदेश है कि अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। कभी कभी होता है कि बहुत गुस्सा आ जाता है माता पिता को, बच्चे अगर कुछ गलत काम करते हैं तो, या उनकी इच्छा के विरुद्ध में जाते हैं तो, और कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं माता पिता, है ना। और गुस्से में आकर के या तो बहुत ही ज़्यादा पीटते हैं, या तो बहुत ज़्यादा डांट देते हैं, फटकार देते हैं, और कभी कभी कुछ अपशब्द भी बोल देते हैं, गलत शब्द भी बोल देते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान माता पिता को भी रखना है कि वो लोग भी अपने बच्चों को इस तरह से इतना बुरा भला ना कहें कि बच्चों का मन टूट जाए, है ना। तो दोनों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह आप लोग कुलुसी 3 उसका 20-21 पद को भी ज़रूर से पढ़िएगा। और एक बात हमेशा यह भी ध्यान रखना है कि परिवार में ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत माता पिता बहुत कठोर अधिकार बच्चों के ऊपर में रखें, है ना, बहुत कड़ाई करके रखें। इसलिए कि परिवार चलाना है तो एकदम बहुत स्ट्रिक्ट, कहीं कहीं होता है ना कि एकदम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, इतना कठोर हो जाते हैं कि बच्चे लोग शायद मुस्कुराना भी भूल जाते हैं, हंसना भी भूल जाते हैं। कभी पापा इतना कठोर हो जाते हैं कि उनके सामने तो जाने के लिए भी बच्चे डरते हैं, है ना। आप लोगों का यहाँ पर कैसा है, जैसे यहाँ पर जितने बच्चे लोग हैं मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी,
कौन कौन अपने माँ बाप से इतना डरते हैं कि उनसे बात भी नहीं कर पाते, ऐसा कुछ है? नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है, तो इन सब चीज़ों पर माँ बाप को भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है कि वो लोग अपना क्रोध को या अपनी कठोरता को थोड़ा सा नम्र करें, नम्र बने उसके लिए, और एक ऐसा वातावरण परिवार का रहे जिसमें बहुत प्यार से, आदर सत्कार से, एक दूसरे की सेवा करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, है ना, परिवार आगे बढ़े। और हम लोग पाते हैं वचन में कि जो हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, दादू दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, उनके लिए भी कहा गया है कि वो लोग भी घर के जो जवान स्त्रियां हैं, जवान बेटी बेटियां हैं, उनको भी वो लोग शिक्षा दें, चेतावनी देते रहें। और स्त्रियों के बारे में या महिलाओं के लिए कहा गया है कि उनको शिक्षा दें कि वे अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। तो शिक्षा की नींव जो है, जो आगे चल करके, चाहे आप लड़का हैं चाहे लड़की हैं परिवार में, उनको भी आगे अपना परिवार बनाना है, तो उनके लिए भी शुरू से शिक्षा दी जाने की बात कही गई है, है ना, कि वो लोग भी अपना जब घर परिवार बनाएंगे, माँ बाप बनेंगे, तो वो लोग अपने पति, लड़कियाँ खास करके अपने पति से प्रेम करें, बच्चों से प्रेम करें, अपने घर के लोगों से प्रेम करें। और यही बात हम लोग पुरुषों में भी पाते हैं, जब हम लोगों का बेटा लोग हैं घर में, तो उनको भी शिक्षा देने की आवश्यकता है कि वे भी अपनी पत्नी से प्यार करें, बच्चों से प्यार करें, है ना। तो इस तरह की शिक्षा जो हम लोग बाइबल में ही पाते हैं, बाइबल ही बतलाती है कि हम अपने परिवार को, परिवार का संचालन हम लोग कैसे करें। और कुछ जो वचन हैं उसमें हम लोग यह भी पाएंगे, देखेंगे कि आप लोग उन वचनों को पढ़ें कि शिक्षा देने के विषय में जो वचन में लिखा गया है, आप लोग उन वचनों को लिख लीजिए। व्यवस्था विवरण 11 उसका 18 और 19 पर इसको ज़रूर से पढ़िएगा कि बाइबल किस प्रकार से शिक्षा देने की बात कहती है एक माता पिता को अपने बच्चों के लिए। तो व्यवस्था विवरण 11 उसका 18 और 19 पर, नीति वचन 1 उसका 8, नीति वचन 1 8 13 का 1 और 24 पर, 19 का 18 और 29 का 17, फिर तिमोथियुस 3 उसका 2 से 5, 5 का 14 पर और इब्रानी 12 उसका 7 से 11।